हेलो एवरीवन, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल एलएलबी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी थाने में दर्ज आप रिपोर्ट की कॉपी कैसे निकलवा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो थाना प्रभारी को चाहिए कि जो आपकी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है उसकी कॉपी आपको दे। कि अगर आपने किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है और अगर उसकी कॉपी नहीं दी है तब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है तब आपको क्या करना चाहिए, और कैसे आप अगर आपकी कोई रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तो उसकी रिपोर्ट की कॉपी आप कैसे पा सकते हैं, या फिर अगर आप आरोपी पक्ष हैं और आपको रिपोर्ट की कॉपी की जरूरत है तो आप कैसे पा सकते हैं, यही सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने थाने में रिपोर्ट पाने के लिए सारे तरीके अपना लिए हैं लेकिन फिर भी अगर आपकी रिपोर्ट की कॉपी आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर अगर आप आरोपी हैं और आप डरते हैं कि कहीं आपको जो है पुलिस जो है गिरफ्तार न कर ले या फिर आपको थाने में बंद न कर दे, और इस वजह से अगर आप थाना नहीं जाना चाहते हैं, या फिर अगर आपने किसी और व्यक्ति को भी थाने भेजा है लेकिन तब भी अगर रिपोर्ट की कॉपी आपको नहीं मिल पाई है, तो रिपोर्ट की कॉपी पाने के लिए आप कोर्ट की मदद ले सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको करना एक वकील है। वकील क्या करेगा कि कोर्ट में एक जो है एक आख्या तलब करेगा थाने से, ठीक है ना, कोर्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर वकील कोर्ट में एक अर्जी देगा, एक एफिडेविट देगा, आप उसमें एक आपका फोटो भी लगेगा। उसमें क्या है कि थाने से आख्या तलब की जाएगी कि अगर इस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मुकदमा, कोई भी केस, अगर कोई भी FIR अगर दर्ज है तो उसका ब्यौरा मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कोर्ट जो है थाने से आख्या तलब करेगा, तो वहां पर क्या है थाना प्रभारी को सारी बात ओपन करनी होती है कि इनके खिलाफ इस मामले में ये मुकदमा पंजीकृत है या फिर ये FIR दर्ज है इन सेक्शनों में, तो वो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। वहां से क्या है कि फिर बाद में आप एक या दो चार दिन की तारीख पड़ जाती है, उसमें क्या है कि आप दो चार दिन के बाद आप कोर्ट जाएं और जो है उस तारीख के दिन आप आख्या को देख सकते हैं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं। अगर मान लीजिए कि आख्या अगर क्लियर है, अगर आख्या में ये आता है कि आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, तो उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्रूफ है कि थाने में आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, और ऐसी कंडीशन में अगर पुलिस जो है आपको तंग करती है, परेशान करती है, तो उस मामले में आप कोर्ट की मदद से उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है, या फिर आप जो है केस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर गाली गलौज कर रही है, मारपीट कर रही है, जबकि आपके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है, कोई केस भी दर्ज नहीं है, तो आप उनके केस भी दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप ये सोचते हैं कि नहीं थाने से तो वैसे तो पुलिस मिली होती है, तो थाने से नहीं तो कोर्ट से कंप्लेंट केस कर दीजिए, तो ये भी एक तरीका है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।